अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सबनम खातून है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी फॉर यू, जिसमें आज का टॉपिक है क्वाड्रिक शर्ड। आज हम लोग क्वाड्रिक शर्ड में एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1 का ए क्या है? इफ m प्लस 1 बाय m इक्वल रूट 3, जो वैल्यू है m प्लस 1 बाय m की जो वैल्यू है वह है रूट 3, ठीक है। और लेट अस कैलकुलेट अ सिंपलीफाइड वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर एंड m क्यूब प्लस 1 बाय m क्यूब। तो इसमें हम लोग को जो वैल्यू निकालनी है, एक नंबर 1 इसकी निकालनी है और नंबर 2 इसकी निकालनी है। तो चलिए हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू इसकी निकालते हैं, क्या दी हुई है, m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर, पहला ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसकी शक्ल, अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है जानते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। हम लोग चाहे तो इसकी जगह पे इसको ले सकते हैं, इसकी जगह पे इसको ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यू एक ही होगी। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग चाहे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे, कैसे, देखिए ए प्लस बी, ये फॉर्मूला में देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है, माइनस है माइनस, 2 है 2, और देखिए ए की जगह पे अभी m है तो m को बढ़ाएंगे इनटू, और बी की जगह पे 1 बाय एम है तो इसलिए 1 बाय एम को बिठाएंगे। अब ऐसा क्यों किए, तो देखिए यहाँ पर कि जो हम लोग जानते हैं कि एक का स्क्वायर एक होता है, और अगर हम लोग किसी डिजिट जैसे कि यहाँ पर एम इंटू एम दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर का मतलब डबल है डिजिट, तो एम 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 स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है और दोनों में दोनों सेम है, इसलिए एक को रख लेंगे और एक एक दो हो गया, इसलिए एम स्क्वायर हो गया। और एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, इसलिए इसको इस शक्ल में रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये है, तो इसलिए हमने इसको बैठा दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अब एम प्लस 1 बाय एम, एम प्लस 1 बाई एम इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, रूट 3, तो अभी हम लोग चाहें तो एम प्लस 1 बाई एम की जगह पे रूट 3 को बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग रूट 3 को बैठा देते हैं, इस तरह से होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर बैठा दिया है, माइनस है माइनस, अभी 2 है, 2 को इस तरह देते हैं, यहाँ भी एम है, यहाँ भी इंटू में, मैंने कि इंटू में यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम है, तो जब इंटू में है तो इसे काट सकते हैं इस तरह से, तो इसे काट देंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, एक, यहाँ पर इसे काटने तो एक बचा और इसे काटने एक बचा, तो ऊपर एक ही कम एक, एक को दो से इंटू करेंगे क्या होगा, दो हो जाएगा, दो बैठा देंगे, और नीचे यहाँ भी एक बचा है तो एक से अगर एक को इंटू करेंगे तो एक होगा, यहाँ भी एक से अगर एक को इंटू करेंगे तो एक होगा, तो नीचे एक को हम लोग लिखते नहीं, इसलिए इसमें लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट है और यहाँ पर स्क्वायर है, और जब भी रूट और स्क्वायर एक साथ होता है तो क्या करते हैं, काट देते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर काट देंगे, तो क्या बचेगा, 3, तो 3 को यहाँ पर लिखेंगे, माइनस है माइनस यहाँ लिखेंगे, 2 है 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब 3 में से 2 जाने से कितना बचेगा, एक बचेगा, तो उस एक को यहाँ लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 1, क्योंकि हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए बोला था, तो हम लोग m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, जो आया है आंसर 1। तो इस तरह से अब हम लोग m क्यूब प्लस 1 बाय m क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एम क्यूब प्लस 1 बाय एम क्यूब, ये दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ भी देखिए 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, कैसे, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक एकम एक, एक एकम एक, तो एक का क्यूब कितना होता है, एक ही होता है, तो इसलिए एक के ऊपर क्यूब नहीं लिखा है, और m का क्यूब m होता है, कैसे, देखिए m का स्क्वायर कितना निकला था, m स्क्वायर निकला था, और वैसे ही m का क्यूब भी m क्यूब ही निकलेगा। तो चलिए अब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो देखिए m क्यूब प्लस 1 बाय m क्यूब, तो शक्ल किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब इस तरह से हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है a माइनस b होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर m क्यूब प्लस 1 बाय m क्यूब दिया हुआ, यहाँ पर देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, हम लोग वो निकालते हैं, तो a
प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस थ्री ए बी, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस थ्री ए बी आया है, उसके बाद इंटू ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला है। तो अभी हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी को बैठाएंगे। तो अभी ए की जगह पे एम बैठेगा और बी की जगह पे वन बाई एम बैठेगा। तो सॉल्व करते हैं इसे हम लोग, प्लस बी पे क्या है होल क्यूब है, होल क्यूब बैठा दिए इस तरह से, उसके बाद क्या माइनस माइनस बैठा दिए, थ्री है थ्री बैठा दिए, अभी ए की जगह पे क्या एम है तो इंटू एम, फिर इंटू वन बाई एम, अब इसको क्यों बैठा है क्योंकि बी के जगह पे अभी क्या बैठेगा वन बाई एम बैठेगा, कैसे यहाँ पर दिया हुआ है इंटू है इंटू बैठा दिए। अभी देखिए ए प्लस बी है तो ए प्लस बी क्या बैठेगा एम प्लस वन बाई एम, क्यों, क्योंकि अभी ए की जगह पे एम है और बी की जगह पे वन बाई एम है। तो देखिए हम लोग अभी फॉर्मूला को बैठा दिए, अब क्या करेंगे, देखिए एम प्लस वन बाई एम है तो जब एम प्लस वन बाई एम दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या, देखिए एम प्लस वन बाई एम इसकी वैल्यू क्या दी हुई है रूट थ्री, तो अभी हम लोग रूट थ्री बैठाते हैं, तो होल क्यूब है होल क्यूब बैठा दिए इस तरह से, माइनस है माइनस बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पर थ्री है तो यहाँ पर थ्री तो है नहीं काट सकते तो इंटू कर सकते हैं, तो यहाँ यहाँ एम है और यहाँ भी एम है ऊपर नीचे है और इंटू में, तो काट सकते हैं तो इस तरह से काट देंगे, तो तीन है कम तीन हो जाएगा। अभी देखिए m प्लस वन बाई एम तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है रूट थ्री, तो अभी रूट थ्री को बैठाएंगे तो इंटू रूट थ्री, ठीक है बैठा दिए। अब देखिए रूट थ्री का क्यूब, तो यहाँ पर देखिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, इसका मतलब यही हुआ ना कि रूट थ्री जो तीन बार है, क्यूब का मतलब ये होता है कि एक डिजिट तीन बार है, तो यहाँ पर है तो देखिए तो इसका ये जो रूट थ्री और रूट थ्री है तो ये तो इसका तो स्क्वायर हट जाएगा इस तरह से, तीन दिया नौ तो रूट नौ हो जाएगा इंटू रूट थ्री। अब रूट को अगर हम लोग रूट से अगर नाइन को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा इंटू रूट थ्री, तो इसलिए थ्री रूट थ्री। तो अभी हम लोग इसके जगह पे थ्री रूट थ्री को बैठाएंगे, तो बैठाते हैं थ्री रूट थ्री, बैठा दिए कैसे, देखिए रूट थ्री है और क्यूब है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिजिट है वो तीन बार है, तो इसलिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, अब ये सब तीन बार तो किस में इंटू में है इसलिए इंटू दिए हैं। तो देखिए इन दोनों को पहले इंटू कर लेते हैं तो तीन तिया नौ हो जाता है, रूट है रूट बैठा दिए इंटू रूट थ्री, ठीक है। तो अगर हम लोग नाइन को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या थ्री आएगा, तो थ्री आ गया इंटू रूट थ्री, अब इन दोनों को इंटू करिए थ्री रूट थ्री हो गया, कैसे यहाँ पर एक छुपा है तीन एकम तीन रूट थ्री को बैठा दिए, ठीक है। अब माइनस है माइनस प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर एक छुपा हुआ है तो तीन एकम तीन रूट थ्री है सेम बैठा देते हैं, देखिए इंटू हो गया। अब देखिए अगर एक से अगर एक चला जाए तो कितना बचता है, अगर एक माइनस एक इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, वैसे अगर थ्री रूट थ्री से थ्री रूट थ्री चला जाए तो कितना बचता है जीरो, तो इसलिए आंसर हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो इसलिए एम क्यूब प्लस वन बाय एम क्यूब की जो वैल्यू निकली है वो निकली है जीरो और एम स्क्वायर प्लस वन बाय एम स्क्वायर की वैल्यू निकली है वन। तो देखिए हमारा मैथ सॉल्व हो चुका है, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।